અગસરના મોદીનગર મિશ્ર શાળામાં અચાનક છત ધરાશાયી થતા શાળાની ઓફિસમાં કામ કરતી મહિલા કર્મચારીના માથાના ભાગે ગંભીર ઇજાઓ પહોંચવા પામી હતી। वहली सवारे पोताना नित्यकर्म प्रमाण भारतीबेन राणा के जो मोदीनगर मिश्र शाला में पटावाड़ा तरीके फरज बजावे शाला में पोता कार्य कर रहा था। दरमियान छत धराशयी थे भारतीबेन ने माथा भागे गंभीर इजाओ पहुंचवा पमी थी। उल्लेखनीय है कि सरकार द्वारा शिक्षण ने वेगवंतु बनावा विविध योजनाओं ने ग्रांट की फाळवणी करवामां आवती होय छे। अंकलेश्वर नगरपालिका संचालित शालाओं में गरीब बाळकों ने मफत शिक्षण माटे सारी सुविधा उपलब्ध थाय ते हेतु थी नगरपालिकाओं ने पण सरकार द्वारा करोड़ों रूपया की ग्रांटों फाळवणी करवामां आवी होवा छतां अण आवड़तना कारणे नगरपालिका द्वारा स्कूलों नवीनीकरण ने माळखा के सुविधा आपवामां निष्फळ निवडता होय तेम शर्मनाक घटना अंकलेश्वरना मोदीनगर मिश्र शाळा नंबर 18 में बनी थी। आ शाळामां आजूबाजूना गरीब बाळकों पोतानुं भावि बनावा उद्देश्यथी आवता होय छे। त्यारे आवी घटना अंकलेश्वर नगरपालिका की शिक्षण अंगेनी उदासीनता दर्शावी रही है। आ घटना में सदनसीबे कोरोना की गाइडलाइन कारणोसर स्कूलों ने बंद राखवाथी बाळकों न होवाथी मोटी जानहानि टळी हती। आ घटना बाद नगरपालिका प्रमुख संपर्क कराता तेमणे जणाव्युं हतुं के अंकलेश्वरनी नगरपालिका संचालित त्रण शाळाओ खरेखर जर्जरित हालत में है। जी बाबत स्कूलों नवीनीकरण माटेनी प्रक्रियाओ पण हाथ धरवामां आवी छे तेरी थोड़ा समय में ज ग्रांट फाळवीने आ स्कूलों नवीनीकरण कर देवामां आवशे। अंकलेश्वर नगरपालिका संचालित मोदीनगरनी मिश्र शाळा नंबर 18 में स्लेब पड़वाथी एक महिला ने इजा थई होवानो सवारे मारा पर कॉल आव्यो हतो। मोदीनगर मिश्र शाळा नंबर 18 में प्रिंसिपलनी ऑफिस में स्लेब धराशायी थता त्या काम करता महिला ने माथा में इजा थई हती जेनो फोन पण आव्यो हतो अने मैं जाते त्या तपास करी अने जोयु तो माथा में एमने इजा थई छे। आ लगभग बे त्रण स्कूल छे समरी फळिया मोदीनगर अने हिंदी माध्यम स्कूल आ बधी स्कूल खूब जूनी होय जेनू अमे नवू बनावा माटे अमे एनी प्रक्रिया चालू छे। आजे मोदीनगरनी मिश्र शाळा नंबर 18 छे एने अमे सर्व शिक्षण अभियानमां एना माटेनी दरखास्त पण करी दीधी छे। હાલમાં સ્કૂલો બંધ છે અને એની પ્રક્રિયા ચાલુ છે તો થોડા સમયમાં એની મંજૂરી આવી જશે તો એ સ્કૂલ પણ નવી બની જશે। એટલે અમને આ બાબતની જાણ તો છે જ કે આ સ્કૂલો જૂની હોવાથી અને એને નવી બનાવવાની જરૂરિયાત છે। એટલે અમે આગોતરું પહેલેથી જ અંકલેશ્વરની ત્રણથી ચાર જેટલી શાળા તેમજ આ મોદીનગરની શાળાને સર્વ શિક્ષણ અભિયાનમાં આનો સમાવેશ કરી અને દરખાસ્તો કરી દીધી છે અમે।